मध्य प्रदेश सरकार में आशा कार्यकर्ता सबसे छोटी इकाई है जो गांव-गांव घूम करके प्रसव योजनाएं, टीकाकरण ऐसी स्थिति में अपना जीवन यापन करती हैं जिन्हें शासन पैसा देता है। कोई सैलरी फिक्स नहीं है, जो कि मध्य न्यूनतम वेतनमान है वो भी फिक्स नहीं है। ऐसे में अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर के ये गली गली और गांव-गांव घूमते हैं, क्या परेशानी आती है। और जो बाउचर जो इनके द्वारा बनाए जाते हैं उस पर भी रिश्वत मांगी जाती है। गौर करें आप, रिश्वत मांगी जाती है, बाउचर बनाए जाते हैं जो आशा कार्यकर्ताओं के, उन पर भी मांगी जाती है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा मनीषा नाम है। मनीषा नाम है, आप आशा कार्यकर्ता? मैं आशा कार्यकर्ता हूं। क्या शिकायत है आपकी? मैम पैसे लेती हैं। मैडम पैसे लेती हैं? हाँ, कौन सी मैडम पैसे लेती हैं? सुनीता दीदी। सुनीता दीदी, हाँ, ये कहाँ पदस्थ हैं? बराई ब्लॉक में। बराई ब्लॉक में आप हाँ, कहाँ रहती हैं? मैं कैंट गांव में रहती हूँ। कैंट गांव में रहती हूँ। तो हाँ, कितने गांव घूमती हैं आप रोज? 2-3 गांव घूम लेते हैं। बच्चों को साथ में लेके घूमती हैं? बच्चे के साथ। तो भी कैसे कैसे काम चलता होगा जब बच्चे आपके साथ में जाते हैं तो? इनको हारी बीमारी परेशानी किसी को दे देते हैं, कोई घर पे रहता है तो घर छोड़ जाते हैं, नहीं तो ले जाते हैं साथ। आपका क्या नाम है? माया सेन। माया सिंह, आप कहाँ पदस्थ हैं? बीरखेड़ा। बीरखेड़ा, हाँ। यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? सर मैं गांव में ही रहती हूँ, मैं उसी गांव में रहती हूँ, आरौन में 1 किलोमीटर। कोई न्यूनतम वेतन तो आपको मिलता नहीं? नहीं सर, उसमें नहीं मिलता। तो जो आपको पैसा मिलता है वाउचर के थ्रू मिलता है? हाँ, वाउचर के हिसाब से पैसा मिलता है सर। तो उस पर भी कोई क्या कहना है आपको? हाँ सर, ऐसे मतलब जो काम के लिए पैसे आते हैं ना जी, आंगनवाड़ी के लिए समिति के पैसे आते हैं, उसमें मैडम पैसे ले ली, 2-2 हज़ार रुपये पहले ले लिए थे, और अब जो पैसे आए हैं सुनीता मैडम, और जो इस बार पैसे आए हैं तो बोल रही हैं पहले 2 पैसे, जब जी वाले पैसे डालेंगे जो हम काम करते हैं ना उसके भी मतलब पैसे ले लेती हैं। परेशानी आती है छोटे बच्चों को साथ में? हाँ सर, बच्चों के पास साथ में ले आते हैं, परेशान करते हैं बच्चे, इनको लेके काम करना पड़ता है, घर पे कोई है नहीं है रखे इनको। आपका क्या नाम है? भूरी आदिवासी। भूरी, आपका क्या शिकायत है? सर उन पैसों की शिकायत है। पैसे लेती है मैडम बराई के? हाँ बराई। क्या नाम है उनका? सुनीता श्रीवास्तव। सुनीता श्रीवास्तव, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश है। मिथिलेश है, आपने कहीं शिकायत की है इस बारे में? आपने, आपका क्या नाम है? कमला आदिवासी। कमला आदिवासी, आदिवासी समाज से। आपका क्या नाम आता जी? वैजंती जाटव। वैजंती जाटव, आपसे भी पैसे की मांग की जाती है, क्या कहती है मैडम? जो कहते हैं अब फिर भी डालते हैं पैसा तो फिर भी मांग रही हैं। कितने पैसे मांग रही हैं? पहले 2-2 हज़ार रुपये ले ली, और फिर अब जो कह रही हैं कि कागज ना हो तब बाउचर, में 16 डिलीवरी के बाउचर जमा कर दे और पैसे देंगे तो ले लेंगे। पैसे पहले मांग रही हैं? 4 महीना हो गए नहीं देंगे। परेशान है सब अधिकतर। तो आपने देखा कि मेहनत के पैसे में से भी हिस्सा मांगा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने आपको ज्ञापन दिया है, इस बारे में सर क्या कहना है आपका? एक इन्होंने आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है कि इनके जो मानदेय वगैरह इनका मिलता है उनको, इनको मिलने में वहाँ वरई में परेशानी आ रही है। कोई सुनीता श्रीवास्तव करके है तो वो इनको परेशान करती है, इनका थोड़ा थोड़ा मानदेय रहता है उसको देने में वो कोई पैसे विषय मांगती, इस टाइप की शिकायत की है। रिश्वत की शिकायत लेने के लिए प्रेशराइज करती है वो इस टाइप से। तो मैंने बीएमओ से मेरी बात हो गई है, तो बीएमओ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इनके वाउचर वगैरह कंप्लीट चेक होते हैं और मैं उसको दिखवा लेता हूँ, 15 तारीख से पहले पहले सबका पेमेंट करा देते हैं, ऐसा आश्वस्त किया है। एक जो शिकायत मेन वो ये है कि वहाँ पर जो BSEM पदस्थ हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जिन्हें BCM का पद दिया गया है, जिसके अंडर सहयोगी आशा सहयोगी और आशा कार्यकर्ता आती हैं। तो क्या इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए कि BCM का पद जो है कि महत्वपूर्ण हाथों में दिया जाए, न कि किसी कंप्यूटर ऑपरेटर? हाँ, अगर किसी कोई अनियमितता है तो मैं खुद जा करके चेक कर लूँगा, कोई आएगी तो उसको चेंज करा देंगे।